再したら。कुछ मिला नहीं सर, लाश के पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स नहीं मिले। कोई मोबाइल फोन? ना सर, ना मोबाइल फोन ना पर्स, कुछ भी नहीं। लेकिन लाश यहाँ तक आई कैसे? सर मुझे लगता है कि आदमी को यहाँ तक लाया गया होगा और फिर उस पर हमला किया होगा। सर सीने पर जो ये दो गहरे जख्म हैं, ये गोलियों के निशाने हैं और मुझे लगता है सर काफी नजदीक से शूट किया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट करो। ओके सर। इंसान क्या चाहता है? इज्जत की जिंदगी और शायद इज्जत की मौत। आखिर किस कारण इतनी कम उम्र में यह मौत के हवाले कर दिया गया? परसों ऑफिस गए थे विकास, शाम को लौटे ही नहीं। कल भी पूरा दिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। इवन इस फोन स्विच्ड ऑफ सर। कहाँ काम करते हैं आपके हस्बैंड? वेब मीडिया मलाडिस्ट। कोई फोटो वगैरह है आपके पास? यस सर। इनके कोई रिश्तेदार वगैरह? जी, इनकी सिस्टर नएगांव में रहती हैं और फादर सूरत में काम करते हैं। मैंने सब जगह फोन करके बात की लेकिन किसी को विकास के बारे में कुछ नहीं पता है। सर आई एम वेरी मच वरीड, प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए। आप हाउसवाइफ? जी नहीं सर, मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाई सोसाइटी की लड़की की शादी ऐसे साधारण दिखने वाले लड़के के साथ? सर लव मैरिज का चक्कर होगा और क्या। ठीक है लेकिन जोड़ी अजीब है, मतलब कहाँ वो लड़की कहाँ ये लड़का, ये देखने में उसके मुकाबले उम्र में भी छोटा लग रहा है। हाँ सर, वो परसों आया था, 7 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और तकरीबन 7 बजे ही वो यहाँ से निकल गया था, पर शायद वो कल नहीं आया था। तो यहीं से ऑफिस से किसी ने उसको फ़ोन भी किया था लेकिन उसने उठाया नहीं। सर समझ में नहीं आता आजकल के लड़के बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, मुसीबत झेलनी पड़ती है हम लोगों को। विकास किस पोस्ट पे है? सर पोस्ट किसी पोस्ट पे नहीं सर, सर वो तो ऑफिस बॉय है। वो शूटिंग पे टेप्स लाने ले जाने का काम करता है, बाकी का सामान भी लाता ले जाता है, कभी कभी वो ऑफिस का भी काम कर देता है। ऑफिस बॉय? मैं वसंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन उसकी पत्नी तो वीपी है और सुना है उन्होंने लव मैरिज की है। हेलो जी, मैं विकास पवार की वाइफ बोल रही हूँ। विकास वहाँ पे आए थे? नहीं थाम थाम थाम। अरे ते ऐसा सर कुठे आपला विकासच्या बहिणीचं ते घर का आगे? ये लोग कहाँ गए? मीतू और उसके हस्बैंड तो बाहर गए, शायद मार्केट गए। मीतू के भाई विकास को जानती है ना? नहीं मैं तो इतना नहीं जानती, वो मेरे बेटे के दोस्त है ना, वो जानता है। विकास बहुत मेहनत करता था साहब, एक दिन में मानो ट्रिपल जॉब करता था। ट्रिपल जॉब मतलब? साहब उसकी माँ बीमार रहती थी तो इलाज के लिए बहुत पैसा लगता था उसको साहब, तो एक दिन में 3-3 नौकरी करता था। सुबह सुबह जाके अखबार डालता था, उसके बाद एक ऑफिस में जाता था, वहाँ पे प्यून था, उसके बाद यहाँ पे टेकरी में एक गराज है, वहाँ पे नौकरी को जाता था। और हाँ साहब छुट्टी के दिन भी वो वहीं पे काम करता था। और साहब एक एक दमड़ी बचा रहा था अपनी माँ के इलाज के लिए। और आज का मैच आप लोग को जीतने का है। विकास, अरे बोल, चलना खेलने। वो पटनवाड़ी के छोकरे लोग के साथ मैच रखा आप उनका? अरे नहीं रे बाबा, मेरे को ऑफिस में ओवर टाइम पे जाने का है और वो शाम को रशीद भाई के गैरेज में लेट पहुंचा ना तो वो भी पैसा काट देगा, फिर वो खा के तुरंत निकलने गए। और तू ऑफिस से लंच करने घर काय को आता है? तेरे ऑफिस में कैंटीन नहीं है क्या? कैंटीन है रे बाबा, लेकिन पैसा नहीं है। मम्मी का दिन का मेडिसिन 1000 रुपये का जाता है मालूम है।
अरे तेरा वो नहीं है। चल फिर मिलते हैं बाद में। और सुने मैच के लिए ऑल द बेस्ट। आज जीत गया ना? अरे जीत के आएंगे, बहुत मिस करेंगे। चल चल बाय। और विकास कैसा है? अरे ठीक हो रहे। अरे तेरे आई की तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है। अरे तू एक काम क्यों नहीं करता, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती क्यों नहीं करता? नहीं तो बेचारी मर जाएगी रे। सर मत बोल यार, मत बोल ऐसा। सॉरी, पर तू उसको कैसे भी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर। प्राइवेट में डालने के लिए पैसा किधर है मेरे पास? सर बेचारा हमेशा पैसे के ही टेंशन में रहता था, पर मुझे लगता है शादी के बाद उसका पैसे का टेंशन खत्म हो गया। कैसे? साहब पैसे वाली बीवी मिल गया ना उसको। अच्छा ये विकास और उसकी बीवी में रिश्ता कैसा? साहब वो मेरे को नहीं पता साहब, वो उसकी बहन है ना मिटू, वो बता सकती है। सर विकास की बहन घर आ गई। चलो। तेरे को मालूम था ना विकास और उसकी बीवी का कैसा रिश्ता है? मालूम था। फिर पुलिस को बताया क्यों नहीं? क्या बोल रही है आई, विकास मेरा दोस्त है, कैसे बताता? 7 रोज पहले विकास यहाँ आया था, लेकिन जब से मेरी आई की डेथ हुई है ना, वो कभी कभार आता है यहाँ। शादी से पहले तू यहीं रहता था? शादी के बाद भी दोनों यहाँ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले वो दहीसर शिफ्ट हो गए। मालूम नहीं क्यों और क्या बात थी उन दोनों के रिश्तों के बीच, मुझे कुछ अजीब सा लगता था। क्यों? क्योंकि उन दोनों में बहुत फर्क था। विकास तो 10वीं पास था और शिखा MBA थी, न जाने और क्या क्या करके रखा था उसने। वैसे भी वो बड़े घर की औरत है, पता नहीं उसने विकास में क्या देख के उससे शादी की थी। लव मैरिज थी ना दोनों की? वही, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, पर कुछ दिनों पहले शिखा ने दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ये आपके पिताजी? जी, सूरत में रहते हैं, बहुत कम आते हैं। वैसे उनको कुछ पड़ी नहीं है, मेरी आई अस्पताल में थी, उसको कैंसर था, फिर भी 5-6 महीने में एक बार आते थे। 2 साल तक 2-2 नौकरी करके मेरे भाई ने मेरे माँ का इलाज किया था, फिर भी वो बची नहीं। इसमें विकास की फोटो नहीं है? है ना, वो विकास ही है। ये? हाँ। जादव, फिर ये किसकी फोटो है? ये तो विकास की पुरानी फोटो है, ये किसने दी आपको? सर विकास ने तो मुझे यही फोटो दिया था, बोला संभाल के रखना, बहुत स्पेशल है, बहुत रेयर। मेरे पास इसके अलावा उसकी और कोई फोटो नहीं है। विकास इतना ऑर्डिनरी सा ऑफिस बॉय, एकदम साधारण फैमिली से, और आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, तो कैसे? एक साल पहले हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। विकास ऑफिस के सारे छोटे बड़े कामों को बहुत अच्छे से निभाता था, उसकी डेडिकेशन देख के मुझे अच्छा फील होता था। तब वो मेरे ऑफिस के और पर्सनल कामों को भी करने लगा, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे आई वॉज मैडली इन लव विद हिम। लेकिन आप दोनों के सोशल स्टेटस में इतना बड़ा अंतर, फिर उसके बावजूद आपने शादी? प्यार में कोई ये सब कहाँ सोचता। जादव फोटो देखो, PM रिपोर्ट आ गई है, इसके मुताबिक लड़के की मौत रात 12 और सुबह 2 के बीच में हुई है। अच्छा, इसकी तस्वीर सभी थानों में सर्कुलेट की? हाँ सर, कर दिए। और कुछ, कोई फोन मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, कुछ भी नहीं, अभी भी लाश लावारिस है। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, वसई पुलिस स्टेशन, PSI भोसले बोलते हैं।
ओके सर, दहिसर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। हमें जो डेड बॉडी क्रिक में मिली थी उसके जैसे दिखने वाले एक लड़के की मिसिंग कंप्लेंट उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। कॉमन क्रीक के किनारे ये लाश मिली थी, ये उसकी पोस्टमार्टम है जो आज सुबह ही आई है। हत्या 15 तारीख को रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के दरमियान ही हुई। क्लोज रेंज से 2 गोली मारी गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि .32 बोर का रिवॉल्वर ही इस्तेमाल हुआ है हत्या में। इस इलाके में जितने भी .32 बोर के वेपन्स होल्डर हैं हम उनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है, कोई मैच नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है कि रिवॉल्वर चोरी का हो या फिर यहाँ का हो ही ना। ये जो लड़का विकास पवार, ये दहिसर का है, तो हो सकता है कि वेपन और किलर दोनों उस तरफ के हों। हम अपने इलाके में भी जांच शुरू करवाते हैं और केस टेक ओवर करने की प्रोसीजर इनिशिएट करते हैं। ठीक है, हमसे जो भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा। जरूर, थैंक यू। जादव, अपने इलाके में जितने भी .32 बोर के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। ओके सर। सर, हमें विकास पवार की वाइफ शिखा को भी ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसकी मौत हो गई है। हाँ, कॉल करो। ओके सर। सर, शिखा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करो, अगर नहीं लगा तो उसके घर जाएंगे। ओके सर। जाओ, फोन लगाओ उसको। सर, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम इधर संभा। ओके सर। साहब, सुबह 7 बजे मैं ड्यूटी पर आया, उसके पहले कोई दूसरा आदमी था और मेरे रहते मैडम नहीं निकली यहाँ से। ये तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा? साहब, वो कैमरे में लोचा है, तोड़ना पड़ेगा। सर, लगता है काफी स्ट्रगल हुआ है घर में। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर, अंदर कपट खुला पड़ा है, तिजोरी भी खुली पड़ी है और शिखा पवार कहीं नहीं है। मतलब या तो शिखा भाग गई या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। सर, पहले शिखा के पति की हत्या हो जाती है और बाद में ये सब कुछ। ये पूरा मामला ही उल्टा है जादव। एक ऑफिस बॉय की एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ शादी और अब ये सब वारदात है। अपने BCS को अलर्ट करो और विकास पवार की फैमिली को बुला लो, उसकी बॉडी हैंड ओवर कर देंगे। ओके सर। विकास पवार की तलाश कुछ हैरान कर देने वाले रास्तों से गुजर रही थी। तस्वीर की गुत्थी सुलझी तो विकास की गोलियों से छलनी लाश सामने आई। लाश का भेद अभी सुलझा नहीं कि विकास की बीवी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई। ये दुर्घटनाएं आज हुई थी पर इसके तार कहीं अतीत में छुपे थे जो अब खुलने वाले थे। विकास की जिंदगी नरक थी सर, नरक हो गई थी। चाय, नहाने के लिए पानी गर्म कर दो। हाँ प्लीज। अच्छा लिसन ना, बाथरूम एक बार चेक करना कंडीशनर है या नहीं। तुम्हारी इस फटफटिया पे अगर मैं और बैठी ना तो मुंह के बल गिरूंगी। मेरी स्किन देखो, इतनी चिपचिप कर रही है, इतना डस्ट और पोल्यूशन सब कुछ चिपक जाता है स्किन पे। बाइक पे तो ऐसा ही होता है ना। बाइक पे अगर ऐसा होता है ना तो मैं अपने पापा के यहाँ से अपनी कार लेकर आ जाती, क्योंकि अब इस बाइक पे मैं और नहीं बैठ सकती। नहीं विकास, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा मतलब? मतलब इट्स सो डैम कंजेस्टेड, मतलब चलने तक की जगह नहीं है यहाँ पर यार। यहाँ की लोकेलिटी एकदम फटीचर, सो डाउन मार्केट, नो प्रिवेसी एट ऑल। सुनो, तुम्हारी बहन बिना पूछे बिना नॉक किए सीधा घर के अंदर चली आती है। सुनो, अब इधर और नहीं आ, प्लीज लेट्स मूव आउट। तुम ऐसा करो, किसी अच्छी लोकेलिटी में हमारे लिए ना 2 या 3 BHK ढूंढो।
मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि विकास ने उस लड़के के साथ शादी क्यों करी थी। शायद थोड़ी तड़क भड़क सी थी इसीलिए होगा, पता नहीं। और हाँ, पोजीशन और पैसा था उसके पास, शायद इसीलिए। जब तक मेरे आई का कैंसर का इलाज चलता रहा तब तक तो कैसे भी विकास अपने तनख्वाह से खर्चा कर रहा था। जब माँ की तकलीफ बढ़ गई तो उसको प्राइवेट में भर्ती किया। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तो खर्चा ज्यादा होता है, और खास करके कैंसर में। हाँ, कुछ महीने का 50-60 हजार तक खर्चा जा रहा था। इतनी तो विकास की तनख्वाह भी नहीं हुई, तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने पूछा था उससे तो उसने कहा कि उसने कहीं से लोन लिया है। सर, इससे अच्छा होता कि अपनी वो पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता तो। पुरानी गर्ल? हाँ सर, उसकी एक मंगनी हो चुकी थी और शिखा के लिए विकास ने मंगनी तोड़ दी थी। कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है? सुमन, बंसीपड़ा मालाड़ में रहती है वो। और सर, जब मंगनी टूट गई थी उस सुमन का बाप हमारे घर पे आके बहुत हंगामा किया था। इस सुधाकर गायकवाड़ का हिसाब लेना पड़ेगा, तो ये मामला बदलेगा तो नहीं। बेटी की सगाई टूटी और बाप ने मंगेतर की हत्या कर दी। सर, यहाँ तक कि वो उनके घर पे भी पहुंच गया था लड़ने के लिए। शिखा पवार का बैकग्राउंड चेक करो, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, किसी क्लब की मेंबर थी क्या। और विकास पवार का बैंक अकाउंट चेक करो, खास करके पिछले 6 महीने का ट्रांजेक्शन। उसके ऑफिस से पता करो कोई लोन वोन लिया है क्या उसको। ओके सर। विकास जो एक सीधा साधा आम नौजवान था, अपनी माँ और परिवार के प्रति अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से अदा कर रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए? उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को छोड़कर शिखा के साथ प्रेम विवाह किया। क्या विकास स्वार्थी बन गया था? क्या विकास में आए ये बदलाव ही उसकी मौत के जिम्मेदार थे? सुमन गायकवाड़ के घर को डर। सर, पिछले 4 सालों से विकास और मेरा अफेयर था, फिर उसके कहने पर मैंने पापा से बात की, फिर हमारी सगाई हुई। सर, सगाई से सबसे ज्यादा खुश विकास था, लेकिन एक हफ्ते बाद एक दिन अचानक। अरे तू अचानक, तू बैठ, में तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तू रुक, ये रख ले। काहे से ला? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं सच में मजबूर हूँ। पर विकास, हमारी एंगेजमेंट। विकास, विकास। अरे अंकल, क्या बोला तू? अंकल, क्या बोला तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा तू? मेरी बेटी से सगाई तोड़ेगा? मेरी बात सुनिए अंकल, प्लीज। तू क्या समझता है? क्या सुन तेरी बात? अरे अंकल, जिंदगी खराब करेगा। अंकल, छोड़ूंगा तू। बाजू, रुक सुमन, मैं उसे आज छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं बाबा, माफ कर दे उसे। सर, उसके बाद विकास और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। मुझे पता लगा कि उसने शादी कर ली है किसी अमीर लड़की से, उसी के ऑफिस में कोई एम्प्लॉय थी बड़ी पोस्ट पर। तुम्हारे पिताजी ने उसको धमकी भी दी थी उसके घर जाकर। हो गेले होते। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? सर, एक बार ऑनर के पर्सनल बॉडी गार्ड है। इस वक्त कहाँ, बार में होंगे? हो। पॉइंट 32 बोर वेपन जिनके जिनके पास है उनके नाम की लिस्ट। दर्दी, तुला लो इन सभी लोगों को और इनके बुलेट के रिकॉर्ड्स निकालो। मगर सर, शहर में 122 लोगों के पास लाइसेंस है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दर्दी, अगर ये केस हमें सॉल्व करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। चाय बैठ जाए अभी। जा, चुप बैठ। क्या हो रहा है? शांत बैठो। दारू पीने को आया, नौटंकी करने को? चलो बैठो। सुधाकर गायकवाड़, तुम्हारा नाम? हाँ सर। वेपन है तुम्हारे पास? है ना सर। दिखाओ। लाइसेंस है इसका? हाँ सर। सर, लाइसेंस तो ओके है, .32 बोर। जाओ गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। चल बैठ गाड़ी में। पर सब बताओ तो सही, क्या हुआ है? सीधे से चलेगा या हम लेके जाएं? सर, सर, सब सुनिए सर। साहब, कितने बार बताऊं, मैंने नहीं मारा उस विकास को,
हाँ मगर उस रोज वो मेरे घर में आया था तो मैंने उसे दो झप्पड़ मार दी थी। क्या करता साहब, मेरी बेटी के साथ में सगाई करके उसने तोड़ दी थी। मेरा खून खोल गया था साहब। इतना खून खोल गया था कि अपने रिवॉल्वर से दो गोलियां उसके सीने में उतार दी? नहीं साहब, वो हथियार मेरा नहीं है, मेरे बार मालिक का है। आज तक उसमें से एक भी गोली नहीं निकली है। आप चाहे तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं साहब। हाँ साहब, अगर उस दिन मेरी बेटी ने मुझे रोका नहीं होता ना तो मैं उसके खाल खींच लेता। जादो, इस सुधाकर की रिमांड बढ़ाओ, ऐसे मुंह नहीं खोलेगा ये। ओके सर। विकास के मैंने बैंक अकाउंट चेक किए, उसके दो अकाउंट है, एक में जीरो बैलेंस है और एक में 1000 रुपया। मतलब हॉस्पिटल का पेमेंट कैश से किया होगा? हो सकता है सर, मार्केट या किसी दोस्त के पास से उसने लोन लिया हो, हम लोग पता कर रहे हैं। और एक बात सर, उसकी माँ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में 6 महीने से एडमिट थी, उधर ही उसकी मौत हो गई। मतलब अगर लोन लिया भी होगा तो उसी दौरान लिया होगा। सर और एक बात सामने आई है। क्या? वो शिका अंधेरे में कोई इंजीनियर है, देवराज जोशी, उनकी बेटी है। पुलिस की छानबीन से मालूम हुआ कि विकास की मां को सरकारी अस्पताल से एक महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में शादी के बाद ही डाला गया। शिखा को विकास से प्यार था, इस बात पर विकास के बैकग्राउंड को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है, इसलिए पुलिस शिखा से जुड़ी हर चीज की गहराई से छानबीन करने लगी। मिस्टर देवराज जोशी, एक्चुअली मैं शिखा के बारे में कुछ। हमारी बेटी मिल गई क्या? अभी तो नहीं। हम दोनों खुद शॉक थे। मास कॉम में मास्टर्स किया है मेरी बेटी। हमने बहुत अच्छी जगह उसकी शादी तय की थी, फिर एक दिन वो विकास को लेकर आई और बोली वो उससे प्यार करती और उससे शादी करना चाहती है। और ऐसे लड़के के साथ शादी? ऑफिस बॉय था वो, हमने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी, कभी किसी चीज के लिए उसे मना नहीं किया था। मैंने उसे बोला भी कि तू अपने टाइप के लड़के से साथ शादी कर ले, पर वो जिद पर अड़ गई, बोली विकास के अलावा वो और किसी से शादी नहीं करेगी। शादी भी दोनों ने मंदिर में कर ली हमारे बगैर। सर, शिखा के बारे में कोई पता, कोई क्लू मिला आप लोगों को? हम ढूंढ रहे उसे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले आप हमें खबर कीजिए। जी सर। जादव, सर, सुमन के पिता सुधाकर गायकवाड़ की पिस्तौल हत्या में यूज किए गए .32 बोर के पिस्तौल के बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच नहीं हो रही है। हमें लगा था कि सुमन की मंगनी टूटने की वजह से सुमन के बाप ने विकास की हत्या कर दी, फिर मामला उससे ठीक उल्टा भी हो सकता है। वो कैसे सर? हो सकता है कि शिखा का कोई बॉयफ्रेंड रहा हो जिसको ठुकरा कर उसने विकास से शादी की और उस बॉयफ्रेंड ने विकास को मार दिया। हो सकता है सर। एक काम करो, शिखा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड निकालो, उसके परिवार से और ऑफिस से पता तो लगाना होगा उसका पहले कोई चक्कर था या नहीं। सर, ये सुधाकर गायकवाड़ का क्या करे? फिलहाल छोड़ दो उसको। ओके सर। आपकी बेटी का शादी से पहले कोई लव अफेयर वगैरह? जी नहीं। करीब 6 महीने पहले इस कंपनी में ज्वाइन किया शिखा ने। अच्छा, उससे पहले वो कहाँ काम करते थे? इससे पहले वो सागर सक्सेना प्रोड्यूसर, उस कंपनी में थी वो। ऑफिस में किसी कोई अफेयर वगैरह? एज फार एज शिखा इज कंसर्न्ड, आई डोंट थिंक सो। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, ओके सर। शिखा का मोबाइल एक्टिव हुआ है, अभी अभी उसके मोबाइल से मुंबई के किसी नंबर पर फोन किया गया है। सर, शिखा का फोन जो पुणे में अभी अभी 20 मिनट पहले एक्टिवेट हुआ था, उस नंबर से मुंबई के इस नंबर पर फोन किया गया है। पुणे पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ सर। अब मुंबई का नंबर कौन सा है? सर, यह नंबर सागर सक्सेना का है। सागर सक्सेना, इस नाम का जिक्र तो वसंत मीडिया ने भी किया था। हाँ सर, ये वही सागर सक्सेना है जिसके लिए विकास और शिखा दोनों एक ही कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले शिखा ने वो नौकरी छोड़ दी। सर, ये शिखा के पिछले 7 महीने के कॉल रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि नौकरी छोड़ने के बावजूद भी शिखा आए दिनों सागर से बातें किया करती थी। विकास और शिखा दोनों सागर के लिए काम करते थे, फिर दोनों ने शादी कर ली और उसके कुछ महीनों बाद शिखा ने कंपनी बदल ली। अब शिखा फरार है और जहां कहीं भी है वहां से इस सागर सक्सेना को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे खेल में इस सागर सक्सेना भी एक बड़ा खिलाड़ी मालूम होता है। चलो, इसको मिलते हैं।
आपको तो पता है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। मिस्टर सागर सक्सेना, सिन्हा साहब मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। यस सर, फोन आया था शिखा का, पहले मेरी कंपनी में काम करती थी वो। क्या बात हुई आपकी उससे? वो आपको तो पता ही होगा, शिखा के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी से कर्जा वगैरह लिया होगा। शिखा ने बताया कुछ लोगों ने उसके घर पे हमला किया, उसे किडनैप करने की कोशिश की, किसी तरह जान बचा के पूना भागी वो। फिर मैंने कहा कि इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वहाँ के पुलिस वालों को कॉन्टेक्ट करो। जो लड़का था विकास पवार, वो भी आपके यहाँ काम करता था? जी मेरे यहाँ काम करता। अब सर शिखा मेरी दूर की भतीजी लगती है, उसने मास्क ऑन किया तो उनके पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि आपके ऑफिस में कोई जगह हो तो बताइए। मैंने कहा भेज दीजिए, यहाँ कर लेगी काम। ब्राइट लड़की है सर, 1-1.5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर बन गई वो। और शिखा और विकास का अफेयर भी उसी दौरान हुआ? सर ये यूथ लोग ऊंच नीच को कहाँ मानते हैं, कहाँ समझते हैं सर। कहाँ वो इंग्लिश मीडियम की लड़की, मास्क ऑन वाली, उसके फादर इंजीनियर, और कहाँ वो बस्ती में रहने वाला ऑफिस बॉय, दोनों में कोई मिल नहीं सर। लेकिन वो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, तो जब पेरेंट्स ने मना किया तो भाग के मेरे पास आई, बोली अंकल आई लव विकास, अंकल हेल्प कीजिए। मैंने समझाया कि दोनों की हैसियत में बड़ा फर्क है, लेकिन नहीं मानी सर। जादव इसका बैकग्राउंड चेक करो, और ये विकास की माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी पता करो वहाँ के बिल विकास कैसे भरता था। ओके सर। मुबारक हो, आपकी बेटी की न्यूज़ मिली है। कहाँ है वो? पुणे में है, हालांकि हम उससे अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए। ये सागर सक्सेना आपके रिश्ते में है क्या? जी सर, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, और ये जो शादी हुई हमने सागर से पूछा कि ये कहाँ शादी कर रही है, तो उसने अपने हाथ खड़े कर लिए, बोला ये लव का मैटर है, मेरे बस में कुछ नहीं। बकवास कर रहा है सागर, मंदिर में शादी करवाने वो भी गया था, शिखा ने बताया मुझे। हाँ जादव। सर मैं उसी हॉस्पिटल के बाहर से बोल रहा हूँ जहाँ पर विकास की माँ को एडमिट किया गया था। सर पूछताछ करने पर पता चला है कि विकास की माँ के हॉस्पिटल का बिल एक डेबिट कार्ड से पे हुआ है। किसके डेबिट कार्ड से? सर सागर सक्सेना के। सर वो प्यार करने लगी थी उससे, मेरे पास आई बोली अंकल हेल्प कर दीजिए। तो ये सब आप बता चुके हैं, मंदिर में आपने उन दोनों की शादी भी करवाई? हाँ करवाई। अब घर वाले कन्यादान नहीं कर रहे थे तो किसी ना किसी को तो करना ही था सर। मैंने उनके घर वालों को समझाया कि बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, पर नहीं, उन्होंने कहा कि लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं। तो क्या करता मैं, गया मंदिर, किया कन्यादान, करना पड़ता था, सामाजिक जिम्मेदारी। लेकिन ये सब आपने पहले नहीं बताया था? सर शिखा ने प्रॉमिस लिया था मुझसे कि ये बात किसी को ना बताऊं, तो क्या करता मैं। विकास की माँ के हॉस्पिटल के बिल्स आपके डेबिट कार्ड से चुकाए गए थे, ये ना बताने का भी प्रॉमिस लिया था? नहीं नहीं सर, मैं नेकी करके ढिंढोरा पीटने वालों में से नहीं हूँ। नेकी कर दरिया में डाल। विकास की माँ का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा था तो तनख्वाह से सारा खर्च चल रहा था, उसके बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए तो खर्चा बढ़ गया। फिर ऑफिस में किसी ने बताया कि वो लोन ट्राई कर रहा है, तो मैंने कहा मैं पैसे दे देता हूँ, अब रिलेशन है तो सर हेल्प तो करना बनता ही है। बस अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पत्नी से एक दो सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सुधा, सुधी, अरे इधर आओ। साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछिए साहब। अकेले में? हाँ ठीक है पूछिए। शिखा को जानती हैं आप? जी। और उसके पति विकास को? हाँ। जोड़ी सही थी, मतलब सक्सेना साहब ने जो शादी करवा के दी ये जोड़ी सही थी? क्या सही था साहब, एक नंबर का कमीना है वो सागर, अपने ही भतीजे के साथ इश लड़ा रहा था। वो रोज आती थी घर पे ऑफिस के काम से, घर दुख तो ठीक था साहब, फिर वो अपने पति विकास के साथ आती थी घर पे,
फिर वो लोग कहाँ जाते थे मुझे पता नहीं, पता नहीं उस विकास को क्या मजबूरी थी जो अपनी बीवी को इनके हवाले करता था। मेरे से रहा नहीं गया, मैं एक दिन उनके पीछे पीछे फार्म हाउस तक पहुंची और जो मैंने देखा कोई? तुम्हारी रंगरलिया देखने देखा ना, अब जा। रिश्ते में ये तुम्हारी भतीजी लगती है और तुम हो के? ए, ज़्यादा डालेबाजी मत कर मेरे सामने। प्रितपाल, प्रितपाल। जी साहब। मैम साहब को लेके जाओ। एक नंबर का पेशर है मैं वो सागर। ये हमारा बेटा अनिल अपने बाप से नफरत करता है, नफरत। तुम्हारे पापा ने जो पापा नहीं सागर सक्सेना, मैं पापा नहीं मानता उसको। वो एक नंबर का लड़कीबाज है, अपनी भतीजी के साथ सोता है और वो उसका हस्बैंड विकास दलाल है उसका। शर्म नहीं आती तेरे को अपने बीवी को ऐसे? मेरी माँ को कैंसर है, बीमार है, वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। हर दूसरे दिन आती थी वो घर पे। मैं बीवी सिर्फ नाम के लिए हूँ उसकी, मेरी इस घर में इज्जत एक काम वाली बाई से ज्यादा नहीं है। अंदर जो कुछ आपकी बीवी ने कहा बाहर भी सुनाई दिया होगा, कुछ कहना? सही कहा मेरी बीवी ने, गांवटी बीवी ने। अफेयर है मेरा, लेकिन मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। वो लड़की शिखा ने शादी तो कर ली, उसके बाद आई और आके रोने लगी। उसके पति के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, अरे सीधे गले लग गई मेरे को। मैंने बोला रुक, मैं बात करता हूँ तेरे हस्बैंड से। मैंने बुलाया, उससे बात की, पूछा क्यों रो रही है, तो जानते हैं साहब क्या बोला उसने? बोला अगर आपसे लिपटती है तो लिपटने दो। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। एक सेकंड का तो मेरा दिमाग सटका सा। फिर मैंने सोचा कि लड़का सामने से ढील दे रहा है, लड़की भी गले पड़ रही है, तो क्या डील कर लिया मैंने। और जब विकास की माँ मर गई, उसे पैसों की वैसी जरूरत नहीं रही, लड़का डील से मुकरने लगा, तो आपने उसे रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, ऐसा आप सोच रहे हैं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम विकास को किसने मारा, क्यों मारा, और हो सकता है किसी और से लोन लिया और चुकता ना कर पाया हो। साहब वो तो मरा, लेकिन उसकी बीवी दर दर भटक रही है, उसे हम ढूंढ लेंगे। आप हमें बिना बताए शहर से बाहर मत जाइए। ठीक है। तुम प्रितपाल सिंह हो क्या? जी साहब। सक्सेना साहब के बॉडीगार्ड? जी साहब। वेपन दिखाओ अपना। लाइसेंस है इसका? जी सर। दिखाओ सर। .22 बोर और लाइसेंस सागर सक्सेना के नाम पर है। 15 तारीख को कहाँ थे? अब वैसे तो हर वक्त मैं सक्सेना साहब के साथ रहता हूँ, ऑफ टाइम में ऑफिस में या फिर पीछे सर्वेंट क्वार्टर में। लड़वी, जिस रात और जिस जगह विकास की हत्या हुई वहाँ के मोबाइल टावर के रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो किन किन लोगों के मोबाइल उस वक्त एक्टिव थे। यस सर। सर हो सकता है कि ये डील सागर ने की है और बाद में विकास ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। विकास ने उसे बोला होगा कि सारी बात वो पब्लिक को बता देगा, फिर क्या सागर ने विकास को टपका दिया होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात खटक रही है। क्या सर? अनिल सागर का बेटा, बहुत गर्मी है उसके दिमाग में। हाँ सर, वो तो अपने बाप को बाप तक नहीं मानता। इस लड़के की सारी डिटेल्स निकालो, आजकल के लड़के पूरा टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, देखो क्या मिलता है। ओके सर। कहाँ जा रहा है? बैठ। मुझे कॉलेज जाना है, मेरे कॉलेज का वक्त हो रहा है। कॉलेज भी भेज देंगे, बैठ, चाय कॉफी पीते हैं। कॉफी संग। बाप से बहुत नफरत करता है और माँ से बहुत प्यार, तो इसलिए तूने विकास को मार डाला ताकि सारा झमेला ही खत्म हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया।
ये क्या? किसका हथियार है ये मेरा नहीं है। किसका? वो मेरा बाप है ना, सागर सक्सेना, उसके बॉडीगार्ड का। प्रीतपाल? नहीं, उसका जोड़ीदार। बाबा हमेशा मेरा पिस्तौल लेके अपना फोटो खींचता था। कौन बाबा? साहब का बेटा अनिल। अभी वो गन किधर है? चोरी हो गया, मैं उसका एफआईआर भी किया थाने में। कहाँ से चोरी हुई तेरी गन? मालूम नहीं, लेकिन मैं कंप्लेंट भी किया, उसके बाद भी सागर साहब मेरे को काम पे से निकाल दिया। तेरा वेपन कहाँ से चोरी हुआ तुझे याद नहीं है? नहीं साहब। अभी याद आ जाएगा, डालो उसको गाड़ी में। लेकिन साहब मैं क्या किया साहब? चलो साहब। सर वो अनिल, क्या उसको भी हवालात में लेना है? नहीं, उस पर अभी नजर रखो, उसको अरेस्ट किया तो उसके माँ बाप गर्दी मचा देंगे, इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंस पैदा करेंगे। सबसे पहले जरूरी है मर्डर वेपन का मिलना। सर ये माधोरा बैंक में सिक्योरिटी का काम करते हैं। सर इनका ये सरकारी हथियार है 0.32 बोर। ये सर 4 दिन पहले इन्होंने किसी दूसरे को उधार दिया था। उधार? हाँ साहब। साहब वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बॉडीगार्ड है साहब, उसने बोला कि उसका हथियार थोड़ा अटक के चलता है और वो और उसका साहब 2 दिन के लिए बाहर गाँव जाने वाला है, तो बोला 2 दिन में वापस कर देगा साहब। फिर साहब 2 दिन के लिए मैंने उसको अपना हथियार दे दिया, साथ में 2 गोली भी इस चैम्बर में था। इनको जब हथियार वापस दिया तभी इसमें गोलियां नहीं थी। फिर साहब मैंने उससे पूछा कि गोली किधर गया, मुझे अपने साहब को जवाब देना पड़ेगा, तो उसने बोला साहब कि वो साफ करते करते इधर उधर हो गया होगा, 2-4 दिन में वापस कर देगा, पर साहब अभी तक तो वापस नहीं किया। फिर साहब आप लोग का ये जाँच शुरू हो गया तो मैंने साहब इनको बता दिया साहब। किसको दिया था हथियार? प्रीतपाल सिंह साहब। प्रीतपाल सिंह वो जो सागर सक्सेना के वहाँ काम करता, वही ना? हाँ वही 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 साहब। जादव गन बैलिस्टिक टेस्ट के लिए भेजो। ओके सर। सर वो हथियार मैच कर गया, खून उसी से हुआ है। साहब मैंने ही मारा विकास को। क्यों? मैडम ने बोला था। कौन मैडम? सुधा मैडम, सक्सेना साहब की बीवी। क्या बकवास कर रहे हो, वो क्यों बोलेगी? क्या मालूम साहब, मुझे 3 लाख रुपए दिए थे, मैं विकास को बस ही लेके गया, सुधा मैडम भी मेरे साथ गई थी। सर ये सुधा सक्सेना के बैंक डिटेल्स, इन डिटेल से पता चलता है कि सुधा सक्सेना के अकाउंट से 3 लाख रुपए विड्रॉल हुए थे, वो भी चेक से। पैसे सुधा ने खुद विड्रॉ किए थे? हाँ सर। सर जहाँ पर विकास का मर्डर हुआ था वहाँ के मोबाइल टावर के डिटेल्स और ये मार्क किए हुए नंबर है वो अपने केस से संबंधित है। ओके। ये नंबर प्रीतपाल का है और ये नंबर शिखा का है। ये सुधा सक्सेना, मतलब वारदात की रात को ये तीनों वसे क्रिक के पास मौजूद थे। लेकिन सुधा सक्सेना शिखा के साथ मिलकर विकास को क्यों मारेगी? कुछ तो पेच है यादव। सुधा सक्सेना को लेके आओ, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। बैंक के खाते के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो सब सागर ही देखता है। वो क्या है ना, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 6 जमाती पढ़े हैं, वो भी गांव के स्कूल में। लेकिन बैंक से 3 लाख रुपए तो निकाले ना आपने। वो सब मुझे नहीं पता, सागर ने मुझे जिसपे साइन करने के लिए बोला मैंने किया। ये चप्पल आपके, तो दूसरे में चप्पल है आपके पास? और भी चप्पल है पर ज्यादातर मैं यही पहनती हूँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? मैडम के चप्पल लेके लैब टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर, चलिए। और घर से सागर के मंगा के वो भी भेजो। ओके सर। सर शिखा फिर से एक्टिव हुई है, दिल्ली के एक दुकान में उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन किया है। दिल्ली पहुंच गई, दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया? हाँ सर। शिखा क्राइम सीन पे मौजूद थी, मुझे लगता है कि शिखा इस मर्डर में शामिल हो सकती है। उधर शिखा पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रही थी, इधर मुंबई में पुलिस की एक टीम सागर के बंगले पर उसके जूते बटोर रही थी।
जूतों में जाने पुलिस को क्या सुराग मिलने को था कि एक नहीं सागर के सभी जूते उठाकर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। लैब रिपोर्ट के हिसाब से सागर और प्रीतपाल दोनों के जूतों पे वो क्रीक वाली मिट्टी पाई गई, मतलब दोनों के वहां मौजूद होने की संभावना है। सर सुधा का मोबाइल लोकेशन उस वक्त वहीं का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके चप्पलों में ऐसी मिट्टी नहीं है। उसकी वजह जादो, उसका मोबाइल कोई और वहां लेकर गया था और वो कोई और नहीं खुद सागर सक्सेना था। सागर सक्सेना से बात करनी होगी। चल बैठ। देखिए गलत कर रहे हैं आप, ये जबरदस्ती महंगी पड़ेगी आपको, अपने वकील से बात करूंगा मैं। चल ज्यादा छाड़ा मत बनो, मर्डर का चार्ज लगने वाला है तेरे पे। वसई क्रीक पे तू भी था ना? था, बिल्कुल था। देखिए साहब, वसई में मेरा फार्म हाउस है, वीकेंड पे जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक लेता हूँ, तो जूते पे मिट्टी लग सकती है। हाँ, लेकिन तेरे जूते पे जो मिट्टी लगी है वो वसई के उसी एरिया की है जहाँ वो वारदात हुई। तो उससे ये तो साबित नहीं होता कि हत्या वाले रोज मैं क्रीक पे था? होगा होगा, सब साबित होगा। ये पुलिस तेरी बीवी नहीं है जो तेरी हर बात मान ले। जादू सलूट। देख प्रीतपाल, एक बार फाइनली समझाता हूँ, ये तू अपने बॉस के लिए कुर्बानी दे रहा है ना, बेकार है। फांसी का फंदा मिलेगा तुझे, बीवी बच्चे तेरे सड़क पे भीख मांगे और तेरा बॉस अपनी अयाशियां वैसी की वैसी चालू रखेगा। और तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा? सरकारी गवाह बन जा, सब कुछ ठीक ठाक सच सच बता दे। तूने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, किसके कहने पे किया? मेरा क्या फायदा? सजा मेरी आयत मिलेगी, सजा माफ भी हो सकती है, क्यों जादू? हाँ बिल्कुल, देख साहब जो कुछ पूछ रहे ना सब कुछ सच सच बता दे। मैं हमेशा सक्सेना साहब के साथ ही रहता था, शादी से पहले ही उनका अपनी भतीजी के साथ संबंध था। एक दूसरे से प्यार करते थे दोनों, फिर जब शिखा के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो सक्सेना साहब और शिखा मैडम ने एक प्लान बनाया। उन्होंने विकास को उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे के बदले एक झूठी शादी करने के लिए कहा और अपनी माँ की खातिर विकास मान गया। जब जब बोलूँगा इसको मेरे पास लेके आएगा, बाकी तेरी मदर के इलाज के लिए जो पैसा होगा भरता रहूँगा, समझा? विकास हर दूसरे दिन शिखा मैडम को कभी ऑफिस तो कभी फार्म हाउस पर छोड़ के जाता, और उसकी हालत ठीक नहीं थी साहब, चिड़ा हुआ था। शिखा मैडम से प्यार करने लगा था, उन्हें अपनी पत्नी मानने लगा था, और एक दिन उसकी माँ गुजर गई, अचानक उसके तेवर बदल गए साहब। ये सब बंद करो आप। क्या बंद करूं? इसके आगे मेरी वाइफ को लेके आपके पास नहीं आऊंगा मैं। शिखा वाइफ है तेरी, सिर्फ नाम की। डील ओवर। मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है। मैंने शिखा से तेरी शादी अपने वास्ते करवाई थी, अभी तेरी माँ मरती है कि जीती है उससे मेरे को क्या लेना देना? चल निकल इधर से, तेरा भेजा घुमा ना। ए प्रीतपाल। सागर साहब बहुत गुस्से में थे, उन्होंने फिर शिखा मैडम को फोन करके ऑफिस बुलाया। शिखा फौरन मेरे ऑफिस आओ। और विकास को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। आपने तो आज सुना है, मैं तो कई दिनों से झेल रही हूँ। मतलब ये कि इस पे पति होने का भूत सवार हो गया है। कल रात मेरे रूम में घुस आया था, बोलने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो, फलाना ढिकाना, पजेसिव हो रहा है आजकल। सागर साहब के कहने पर शिखा मैडम अगले रोज विकास को लेके फार्म हाउस आ गई। अरे आओ आओ, इतनी देर कर दी। शिखा अंदर कॉफी रेडी है, लेके आओ। सागर साहब ने विकास को बोला कि अब वही होगा जो विकास चाहेगा, शिखा अब उसकी बीवी बन के रहेगी। फिर हम सब डिनर के बहाने उसे क्रीक पर ले गए। साहब ने जैसे जैसे बोला था मैंने सब इंतजाम कर रखा था। सुधा मैडम का मोबाइल लोकेशन पे डालने का था, ये मोबाइल घर से लाया, मैडम को पता भी नहीं चला। और जिस वेपन से काम तमाम करना था सब मैंने रेडी कर लिया था। हम लोग सागर साहब की SUV में वसई की तरफ निकल गए। जब हम लोग खाड़ी की तरफ बढ़े तो विकास को शक हुआ, फिर क्रीक पहुंचे तो विकास चीखने लगा। आजा आजा। अरे अरे आ गया ना। ये कहाँ लेके आए हो मुझे? बहुत शौक था ना तुझे पति बनने का, अब जा परमेश्वर के पास। सब मेरी आंखों के सामने हुआ साहब, मैंने सब देखा,
कोर्ट में ये सब बताएगा? बोलूंगा साहब, माफी तो मिल जाएगी ना साहब? मिल जाएगी। बोल, 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 मर जा तो बस। कहाँ भगाया तूने शिका को? बता। बोल, बोल। आप कितना ही मार लीजिए साहब, पर जबान नहीं खुलेगी। इतना तो तय है कि इस जुर्म में शिखा शामिल है, लेकिन किस तरह और कितनी ये शिखा से ही पता लग सकता है। पुलिस ने सागर और उसके बॉडीगार्ड प्रीतम सिंह के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। क्या शिखा भी इस हत्या और षड्यंत्र में शामिल थी? इसकी पुष्टि उसके मिलने के बाद ही हो सकती है। पुलिस अब भी उसको तलाश रही है। अनैतिकता, बुराई इंसान को सुख के क्षणिक पल जरूर देती है, पर फिर अपराध के गहरे सागर में डुबा देती है। अनैतिक रिश्ते अक्सर आपराधिक गलियारों तक ले जाते हैं, जो अंत में जेल की चार दीवारी में आकर ही खत्म होते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।